आज मैं अब ये बात आप सभी को बहुत विशेष रूप से खुले रूप में स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आप निखिल शिष्य हैं और वास्तव में गुरु से पूर्ण रूप से जुड़ गए हैं। आपका यह जीवन धन्य हो। और मेरी बात को ध्यान देना, आप अपने प्रयत्नों से अभिवृद्धि करें, बड़े हों। एक बात सदैव याद रखना, सदैव और सदैव याद रखना कि आप निखिल शिष्य हैं और आपका जन्म इस जगत में विशेष कार्य के लिए ही हुआ है। पिछले जन्म में कुछ कामनाएं अधूरी रह गई थी, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको यह निखिल शिष्य के रूप में जीवन प्राप्त हुआ है। आपका यह जन्म केवल घर गृहस्थी चलाने के लिए नहीं हुआ है, वो तो करोड़ों लोग चला रहे हैं, आप कुछ लाख लोग अलग हैं। आपका जन्म विशेष कार्यों के लिए हुआ है, धर्म, ज्ञान, सांस्कृतिक मूल्य, सनातन धर्म और वैदिक ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के लिए ही आपका इस धरा पर गुरु कृपा से आगमन हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले जन्म में भी आप निखिल शिष्य थे, गुरु से आपका नाता था और जीवन यात्रा में कहीं न कहीं आप हाथ छुड़ाकर अलग हो गए थे, इसलिए इस जीवन में पुनः गुरु मिले हैं और स्पष्ट दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस दिशा की ओर आपको चलना है। यह गुरु वचन है कि तुम पूर्ण हो, पूर्ण से ही उत्पत्ति हुई है और पूर्ण में ही समाहित होगे। इस जन्म में बहुत स्पष्ट तौर पर पूर्ण विश्वास, समर्पण और प्रेम और भक्ति के साथ आप गुरु से जुड़ गए हैं और धन्य है आपका यह गुरुमय जीवन। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं आप में से प्रत्येक शिष्य के हृदय में एक दस्तक दे रहा हूं, खटखटा रहा हूं और आपसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं कि हे प्रिय शिष्य, तुम अपना जीवन अपनी इच्छा से जी रहे हो या जीवन ढो रहे हो? आप शिष्य हो, व्यर्थ का बोझ, व्यर्थ की वर्जनाएं और सब भार अपने मन से हटा दो। इस संसार चक्र में आपके सूत्रधार गुरु और ईश्वर है और गुरु और ईश्वर का स्पष्ट आदेश है कि मन पर व्यर्थ का बोझ मत रखो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। आप बहुत सरल व्यक्तित्व हो, सरल भाव से
अपना जीवन आनंद से जियो। कभी कभी आप कहते हो कि सद्गुरु आपके इस जग में, इस जगमग जीवन में मेरी जीवन नैया डोल रही है, कब पार लगाओगे, एक अच्छा सा भजन है। बिल्कुल आपकी जीवन नैया बिल्कुल नहीं डोल रही है, आपको अपने जीवन की, जीवन नैया की पतवार अपने हाथ में लेनी है। ये गुरु का आदेश है, गुरु आपके साथ है। जैसे नित्य आकाश में ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दिखाता है, कभी अस्त नहीं होता, उसी प्रकार गुरु आपके जीवन में निरंतर और निरंतर दिशा निर्देश स्पष्ट तौर पर देते रहते हैं। मैं कहता हूं कि जब आप ध्यान में बैठो, पूजा में बैठो, आप गुरु को पुकारो, गुरु को पूछो, गुरु से बात करो पूरे मन से, केवल मंत्र नहीं बात करो, जैसे ऐसा लगे कि गुरु आपके सामने बैठे हैं, उनका विग्रह नहीं है, वे स्वयं बैठे, शिव आपके सामने बैठे हैं, आप बात करने का प्रयास ही नहीं करते हो, आपका ध्यान कहीं और होता है और आप मंत्र जप कर रहे हैं। बात कीजिए, अपनी बात कहिए, और मैं कहता हूं कि गुरु से आपको स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। बस आप गुरु के सामने अपने हृदय के कपाट खोल दें। यह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और आप निखिल शिष्य हो, अपने जीवन मूल्यों को, अपने सिद्धांतों, अपने स्वभाव, अपने धर्म और अपने नियम की पूर्ण रक्षा अवश्य करना। देखो संसार में लाखों नियम हैं, आपको अपने लिए, स्वयं के लिए नियम सिद्धांत बनाने हैं, और जो नियम सिद्धांत आप स्वयं अपने लिए बनाओ उन पर चलो, एक बार सिद्धांत बनाओ और उन पर चलो और चलते रहो, कौन क्या कहता है इसके बारे में विचार करने के बजाय स्वयं विचार करो कि आप स्वयं अपने आप को क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय करता है। दूसरों के निर्णयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, निर्णय आपके स्वयं के होने चाहिए। और सदैव याद रखना, आपका स्वभाव क्या है, ईश्वरीय समर्पण, गुरु समर्पण और प्रेम, यही आपका वास्तविक स्वभाव है, धर्म है। अपने इस भाव की सदैव और सदैव रक्षा करना। और आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं आपको कि आप प्रेम से परिपूर्ण हैं, प्रेम का ही अमृत कुंड आपके भीतर स्थापित है। न आपके जीवन में, न आपके भीतर न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न घृणा है और न बैर है, है ही नहीं। आप निश्चित रूप से अपने विचारों से चल रहे हैं, गतिशील हैं, इसीलिए आप निखिल से जुड़े हैं।
और मैं कहता हूं, और आप भी अपने आप को कहिए कि आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, और ये सौभाग्य है कि गुरु द्वारा पाले पोसे गए, गुरु हर समय आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको भी अपना ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के दोषों को, अवगुणों को अपने भीतर आने ही मत दो। गुरु अमृत का नित्य अवगाहन करते रहो, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ। आप गुरु अभिषेक करते हैं, गुरु पूजन करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार आप शिव अभिषेक करते हैं, गुरु अभिषेक करते हैं, गुरु भी आपका बहुत प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ आपका अभिषेक करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सदैव उत्साह से परिपूर्ण रहो, सदैव आशा से परिपूर्ण रहो। ये भीतर की प्रसन्नता, भीतर की खुशी अपने आप बाहर आ जाएगी। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपको जोश, उत्साह, उमंग और खुशी का वरदान प्राप्त कर रहा हूँ और आदेश दे रहा हूँ, सदैव कर्मशील रहो, सदैव उत्साहित रहो। जय निखिलम, जय निखिलम, जय निखिलम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। शिष्यों की जय हो, जय हो, जय हो।